देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जानते हो हमने पहले किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में क्या किया था हमने, प्लेन मिरर लिया था है ना। उस प्लेन मिरर में हमने एक नॉर्मल बनाया था जो मिरर के नॉर्मल होता है, मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर होता है। फिर हमने एक इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे बनाई थी जो नॉर्मल से कोई एंगल थीटा पर मीट कर रही है इस प्लेन मिरर को, ये इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। तो हमने कहा था जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला वाला लॉ, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट उतने ही एंगल पर करते हैं जितने एंगल पर नॉर्मल से इंसिडेंट रे ने बनाया है जो एंगल। कहने का मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर के साथ जितना एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। और सेकेंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो सेम इसी तरह से कुछ है ना, हमारा रिफ्रैक्शन भी होता है। बस फर्क इतना है, इसमें हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस तरह से इसमें हम, ये हमारा देखो ये क्या है, एयर, और ये है हमारा ग्लास, ठीक है। फिर वापस से ये एयर, आप इसको थिक समझो थोड़ा सा है ना। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या है, क्यूबॉइड शेप में होती है। जैसे ये रेक्टेंगल है ना, और आप पीछे भी इसको थोड़ा सा थिकनेस दे दो तो ये इस तरह की बनेगी ना, ये इस तरह की बनेगी। तो ये साइड है इसकी थिकनेस कुछ, ये थिकनेस है इसकी कुछ, ये थिकनेस है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, देखो थोड़ा बनाते हैं। ये है ना, और बहुत ही मामूली सी थिकनेस वाली, बहुत ही मामूली सी थिकनेस वाली आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाओगे ना। ये और ये ऊपर से भी थोड़ी सी ज़्यादा बना दी, थोड़ी छोटी बनानी थी। तो ये देखो, समझने की कोशिश करो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब क्या है, नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये है। अब इसको बोलते हैं इंटरफेज, जो ये चीज़ है ये है इंटरफेज, क्योंकि एयर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है। पहले सिर्फ एक ही मीडियम में हो रहा था जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें दो अलग अलग मीडियम होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू इंटरफेज। अब इंसिडेंट रे आएगी इस तरह से, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के साथ में ये आई एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये नॉर्मल है, ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। एयर क्या है, रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम मीन्स कम डेंस है। और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। एक तो ये वर्ड्स भी ध्यान रखना आप। तो अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता तो ये सीधी सीधी लाइट ऐसे चली जाती है ना, ऐसे पास कर जाती है सीधी सीधी लाइट। अब डेंसर मीडियम है तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। सो ये बेंड कर गई, ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसमें जो पहला लॉ है वो यही है कि देखो, मैं आपको अब साथ के साथ लिख देता हूँ। पहला लॉ क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये ग्लास है, ये एयर है। सो एयर से ग्लास में जा रही है ना लाइट रे, तो इसका रेशो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको एक्चुअल में स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको लिख देते हैं आप कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इतना याद रखो इसको।
इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट। इसके बाद आप इस सारे को लिखने की बजाय सिर्फ कॉन्स्टेंट भी लिख देते ना, इसको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको लिखने की बजाय आप सिर्फ इसको कॉन्स्टेंट लिख देते, कॉन्स्टेंट, यानी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। तो भी ये स्नेल्स लॉ बनता है, पहला लॉ बनता है रिफ्रैक्शन का। सेकेंड क्या है लॉ, देखो सेम वही बात है जो पहले थी कि द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस, नॉर्मल टू इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, बिटवीन टू मीडियम, मीडिया प्लूरल हो जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम ऑल लाई इन सेम प्लेन। बात आ रही है समझ? तो देखो अब एक बार और रिफ्रैक्शन करा देते हैं, क्योंकि लाइट ग्लास में आकर के ट्रैप तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि डायमंड तो है ये नहीं, क्योंकि डायमंड में तो लाइट ट्रैप हो जाती है ना, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। आप एनसीईआरटी में टेबल देखना, जो अगले 5 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, उनमें उनमें एक टेबल इस्तेमाल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल है, उसमें डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2.42 होता है डायमंड का। और इतना ही नहीं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो आप ये देखो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी उसमें नॉर्मल से, है ना, सबसे ज़्यादा बेंड करेगी, तो लाइट रे ना उसमें ट्रैप हो जाती है। डायमंड में इतने सारे इंटरफेस बने हुए होते हैं, अंदर ही अंदर कट होते हैं, कि लाइट अंदर ही अंदर है ना रोटेट करती रहती है, मतलब रोटेट तो ऐसे हो जाता है मोशन, बट एक बार ये डायमंड है जैसे, है ना, ये डायमंड है, तो उसमें क्या होता है, एक बार लाइट रे आ गई ना यहाँ से, तो वो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी ऐसे, कभी इस पे गई, कभी इस पे गई, कभी इस पे, ऐसे 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 करता रहेगा उसके अंदर, डायमंड के अंदर ऐसे होता रहेगा। तो इस तरह से वो चमकता है, अंदर लाइट उसके खुद की कोई नहीं होती, अंधेरे में डायमंड कभी नहीं चमकता, अंधेरे डायमंड हमेशा चमकता है रोशनी में, क्योंकि लाइट रे जाती है उसमें। तो देखो ज़रा अब इसको भी आगे पहुंचाते हैं, अब ये फिर इंटरफेस आ गया, अब इंटरफेस पे ये क्या है, नॉर्मल टू सरफेस, अब नॉर्मल टू इंटरफेस है ये, तो अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर, एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट अभी ऐसे न जा करके, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा तो देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, तो है ना ये आई, यहाँ पर इसको बोलते हैं आई वन, तो आई वन बराबर होगा ना आर के, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये दोनों तो एक ही मीडियम की चीज़ है, तो ये जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों तो सेम सेम है, क्योंकि इंटरफेस पे नॉर्मल तो हमेशा एक जैसा बनेगा। तो ये वाली लाइन भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, और ये वाली लाइन भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, और ये कट कर रही है दोनों लाइन को, मीन्स आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि दो लाइन पैरेलल होती हैं ऐसे और एक लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये तो अलग अलग मीडियम में हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वली तो आएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला एंगल अब इक्वल नहीं है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। देखो रेयर से डेंसर में आई थी तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करी थी लाइट, और स्पीड भी कम हो गई थी इसकी, अब जब डेंसर से रेयर जाएगी ना तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, ये इस तरह से चली जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करी है, देखो ये टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करी थी, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर गई, है ना, बेंड कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो पहले वाली रे ऐसे जा रही थी, बाद वाली ऐसे, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स मोशन, पहले वाली के पैरेलल आ गई। ये सब कुछ इसमें मैंने कवर कर दिया आपके लिए, कि रेयर से डेंसर में टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, स्पीड कम हो जाती है, डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है और स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इंटरफेस है, नॉर्मल होता है, स्नेल्स लॉ आ गया, रेशो आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, जहाँ पे जी पहले लिखा है बाद में ए लिखा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसमें एक चीज़ और कवर कर देता हूँ, जब म्यू जी ए लिखा होता है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये भी हम आगे के क्वेश्चंस में इस चीज़ को, वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये बनता है फॉर्मूला। इसको आगे के क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।